good morning all the students i am shivam saksena your social science teacher today in this module we will cover the making of germany the unification of the germany we will cover uh, in the previous module we have discussed about the revolution that was taken places in germany in 1984 88 sorry 1948 sorry and today we will discuss about the further story of this the name of the chapter is rise in nationalism in europe just take a look over there in may 1948 the liberal attempted to set up a constitutional monarch at frankfurt was suppressed by the monarchical military and junkers that we have already discussed in the previous module that key, uh, few liberals has made a german national assembly and they have met with the monarch to draft a constitutional monarch बट the किंग uh, ऑफ the पुरुषिया रिफ्यूज़ that एंड देन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट्स वॉज सप्रेस्ड बाय द मोनार्च मिलेटियंस ठीक है उसके बाद क्या होता है आफ्टर द फेलियर ऑफ द जर्मन नेशनल असम्बली द पुरुषियन चीफ मिनिस्टर ओटोमन ओटोमन विशमार्क टुक अ लीड फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन ठीक है यानी जब वो जर्मन नेशनल असेंबली वाला जो पूरा डिस्क्लोज हो गया था तो ओटोमन विश्माक जो वहाँ का मिनिस्टर था चीफ मिनिस्टर था जर्मन का उसने यूनिफिकेशन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ठीक है थ्री वॉर्स ऑफ द सेवन ईयर ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस कंप्लीट द जर्मन यूनिफिकेशन जो टोटल सेवन ईयर्स के टाइम लगा यूनिफिकेशन में और थ्री वॉर हुई वन विद ऑस्ट्रिया विद डेनमार्क एंड विद फ्रांस और उसके बाद जर्मन का यूनिफिकेशन हो गया और जर्मन का यूनिफिकेशन होने के बाद फिर क्या किया गया प्रूशिया देखिए प्रूशिया किंग केसर विलियम फर्स्ट बिकम द एम्प्रायर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया और जो प्रूशिया का जो किंग था जिसका नाम था केसर विलियम फर्स्ट उसको जर्मनी का क्या बना दिया गया एम्प्रर बना दिया गया ठीक है उसके बाद करेंसी बैंकिंग एंड सिस्टम वॉज लीगनाइज जितनी भी करेंसी और बैंकिंग मतलब जितना भी और सिस्टम था वो सब पूरी तरीक़े से लीगनाइज हो गया ठीक है उसके जनवरी के बाद देन द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ इटली कि इटली के यूनिफिकेशन में क्या हुआ था कैसे हुआ था तो देखिए इटली में क्या था इटली वाज पहले फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द जोग्रफिकल डिविजन ऑफ द इटली कि हाउ द इटली वाज़ बीइंग डिवाइडेड सो इटली वाज़ डिवाइडेड इनटू द सेवन स्टेट्स विच वाज़ ओनली वन सार्डिया पाइडमोन सर्डेनिया पाडामोन रूल्ड बाय द इटैलियन डिस्ट्री इटली के सेवन स्टेट्स थे लेकिन उनमें से केवल एक ही ऐसा स्टेट था जो इटालियन डेंसिटी या डेनिसटी के राजा के अंडर कंट्रोल में था ठीक है आइडिया ऑफ़ द इटालियंस यूनिफिकेशन फर्स्ट गिवन बाय द जिसटिस मेज़िनी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्रो सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटलियन उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी उसी ने आइडिया ऑफ इटली यूनिफिकेशन ड्राफ्ट किया था ठीक है आफ्टर हिज फेलियर रेवोल्यूशन नाइनटीन एंड फोर्टी एट द लीड वॉज टेकन बाय द किंग ऑफ और ठीक है यानी जो पहले जो मेन आइडिया था इटली का यूनिफिकेशन का दैट वाज मेड बाय द दी मेजनी जोसपी मेजनी बट जो एटीन थर्टी वन और 48 एट्स के रेवोल्यूशंस जो डिफीट हुए थे या आप कह सकते हो जो रेवोल्यूशंस फ़ेल हुए थे उन रेवोल्यूशन के बाद यूनिफिकेशन का काम जो था वो सेडेनियास का जो किंग था जो कि सैडेनिया बाइटमोन का केवल एक इटालियन किंग था उसने अपने कस्टडी में लिया और उसका नाम था वेक्टर इनल सेकेंड ठीक है उसका जो चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था केवर केवल लेट द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द डिप्लोमेटिक अलाइंसेज विथ फ्रांस टू डिफ़ीट ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाई इट्स नदर्न टेरिटरीज़ ठीक है यानी फ्रांस के साथ डिप्लोमेसी की उसने और उसके बाद उसने फ्रांस के साथ मिल के क्योंकि फ़्रांस का पहले ही जर्मनी के साथ यूनिफिकेशन हो चुका था वो मिलने के बाद क्या हुआ था ऑस्ट्रिया <coughs> को हरा दिया और जो नॉर्दर्न uh, इटली जो नॉर्दर्न टेरिटरीज था जो ऑस्ट्रिया के आसपास के एरियाज़ में दे दिया गया था तो वो उसको साथ मिक्स कर part, नौर, नौर दिया गया ठीक है इन द सदर्न पार्ट अब नॉर्थ एरिया हो गया सदन में क्या हुआ जिस एस पी गेरेडल लेड द मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द लोकल पीजन सपोर्ट द ड्राइविंग आउट द स्पेनिश रूलर ठीक है जो सदर्न एरियाज था उसमें जिस एस पी जो थे गेरी वेडली जो थे उसने लीड किया इस मूवमेंट को और उन्होंने लीड करने के बाद क्या किया उनको वहाँ के लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिल गया और उस सपोर्ट्स के साथ उन्होंने मूवमेंट्स को आगे बढ़ाते गए ठीक है दस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन वॉज कम्प्लीटेड विद द क्रॉनिंग्स ऑफ द विक्टर इनोमल सेकेंड एज अ किंग ऑफ द इटली एटीन सिक्सटी वन में जाके यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ और यूनिफिकेशन के बाद जो फर्स्ट था किंग बना यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बाद वो था आपका विक्टर इन एंडल सेकेंड ठीक है तो दिस वॉज the unification of the both now the next we'll discuss about the strange condition case of Britain. देखिए ब्रिटेन में revolution नहीं हुआ यूनिफिकेशन के लिए ब्रिटेन में क्या था डिप्लोमेटिक और आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने अपने आप को यूनिफाइड किया बट वहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं किए इसलिए जनरली इट इज़ वेल नोन एज अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन सी नो ब्रिटेन नेशनल एग्जिस्ट बिफोर एटीन सेंचुरी यानी एटीन सेंचुरी से पहले ब्रिटेन ब्रिटिश नाम का को कोई भी नेशन नहीं था एथनिक ग्रुप जो जिसको इंग्लिश वेल्श स्कॉट इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइलिश हैविंग देयर ओन कल्चर्स एंड पॉलिटिकल बेसिस ठीक है ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशंस वेल्थ एंड पारंग इंग्लिश पार्लियामेंट सीज़ द मोनार्च इन सिक्सटीन एटी एट ठीक है एक्ट ऑफ द यूनियन सेवन जीरो फोर बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन देखिए सबसे पहले क्या था ये थ्री फोर जैसे इंग्लिश जिसको इंग्लैंड बोलते हैं और वेल्स और स्कॉट्स ये थ्री अलग अलग कल्चर को बिलोंग करने वाले लोग एक एरिए में रहते थे ठीक है और उनमें क्या था इंग्लिश जो थे या आप कह सकते हो जो अंग्रेज थे वो तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो गए और उसके बाद उनका जो किंग बना उस वो किंग ने स्कॉटलैंड के साथ लीड करके आपस में यूनाइटेड नेशन बनाया जिसको बोला गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ़ यूके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ठीक है किस किस के बीच हुआ था एक्ट वो ऑफ द यूनियन सेवनटीन जीरो सेवन में हुआ किसके बीच में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जस्ट टेक अ लुक देखिए यहाँ पे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में ये एक्ट पास हुआ था उसके बाद देखिए सिस्टमेटिकली सप्रेशन ऑफ द स्कॉटिश कल्चर लैंग्वेज ऑफ द बाय द इंग्लिश बिगिन मैनी वर ड्राइविंग आउट फॉर देयर होम लैंड अब क्या था जो ज़्यादा डेवलपमेंट किसका हुआ था इंग्लिश का फिर सिक्वेंसली और सबसिक्वेंसली इंग्लिश जो पीपल्स थे उन्होंने स्कॉट्स कल्चर्स को दबाते चले गए और वहाँ पर इंग्लिश को पूरी तरीके से स्प्रेड कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड कर दिया गया और क्या किया गया बहुत से जो वो थे लीडर्स थे उनको वहाँ से ड्रॉन आउट कर दिया गया ठीक है हटा दिया गया होमलेट उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया ठीक है ब्रिटिश हेल्प प्रोटेस्टेंस अगेंस्ट द कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड अब आयरलैंड में दो टाइप्स डिवीज़न था दो टाइप के क्रिश्चियंस हुआ करते थे एक प्रोटेस्टेंट होते थे और एक कैथोलिक होते थे तो उनमें आपस में फाइट होती रहती थी तो उन्होंने क्या किया प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया ताकि वो कैथोलिक के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करें और उसके बाद आयरलैंड को भी अपने में जोड़ लिया लेथर द कैथोलिक रिवॉल्ट टू सप्रेस्ड एन एटीन जीरो वन आईलैंड वॉज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड द फोसेबल इन टू द यूनाइटेड किंगडम और लास्ट में क्या हुआ अपने आप ही यूनाइटेड किंगडम बन गया मतलब जो भी था आपस में लड़ने की वजह से केवल रेवोल्यूशन यूनिफिकेशन के लिए नहीं किया गया आपस में उन लोग के डिप्लोमेसी uh, की गई और जिसकी वजह से यूनिफिकेशन हो गया ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट आइए जैसे वी हैव डिस्कस इन अ नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर दैट टू कम्बाइन द पीपल्स आइडियोलॉजी एंड टू कनेक्ट दैम विद द सेम आइडियोलॉजी वन ऑफ द थिंग्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश एंड देट वॉज द विजलाइजिंग द नेशन कि लोगों को कलेक्टिव बिलोंगिंग्स को एक साथ इकट्ठा कैसे किया जाए <coughs> तो उसमें क्या था विजलाइजेशन कराया जाता था लोगों को नेशन के लिए अपने रास्ट के लिए उनको किसी पिक्चराइजेशन या एलिगरी शो की जाती थी देखिए नेशन बिगेन टू तो बी अ पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर कॉड एलिगरी किसी भी नेशन को या किसी भी आइडियोलॉजी को अगर हम किसी फीमेल पोर्ट्रेट बनाते हैं या फिर एक फ़ीमेल फिगर की इमेज बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिग्री ठीक है तो एलिग्री जनरली प्रपेयर की गई थी उसके बाद आइडिया ऑफ जस्टिस एंड रिपब्लिक्स टू वॉज पर्सोनोफाइड एज अ फीमेल फिगर जितना भी जस्टिस है रिपब्लिक है आप देख सकते हो जस्टिस का जो आइडिया होता है उसमें एक वीमेन है जो ब्लाइंड फोल्डेड है तो वो भी इसमें पर्सोनिफाइड किया गया ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच द फ्यू पोर्शन द रेस्ट पोर्शन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो